हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास सेलकॉन का ये बेस ट्रेबल प्लस मिड प्लस लाउडनेस वाला बोर्ड है, ओके। और ये डुअल सप्लाई पे चलने वाला बोर्ड है। इसके अंदर आपको प्रीसेट भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि साउंड कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, हद से ज़्यादा आ रहा है, जिससे डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो है इन प्रीसेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आपका जो साउंड है वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको जो ये ड्यूल है ये लगे हुए नहीं मिलेंगे, ये मैंने अलग से लगाया है। लेकिन हाँ, आप ये फर्स्ट ऑर्डर करते हो, मतलब ये बोर्ड पहला ऑर्डर करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में मिलेगी। और उसके बाद अगर ऑर्डर करोगे तो ओनली जस्ट आपको वायर्स मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ड्यूल नहीं मिलेगा। और ड्यूल के साथ लेना चाहते हो सो विदाउट कनेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके भी चार्जेस जो है एक्स्ट्रा पे करने होंगे। इसके अंदर LM 324 IC यूज़ की गई है। और दोस्तों इस बोर्ड को काफ़ी बड़ा बनाया गया है, आप देख सकते हो। आईसी के साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। और दोस्तों ये हमारा जो है, मैंने इसके अंदर ड्यूल कनेक्ट किए हैं। आप चाहे तो सिंगल चैनल का जो पोटेंशियोमीटर होता है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी फिर ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी मैंने 4 यूज़ किए हैं, सो वो आपको 8 यूज़ करने पड़ेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे एम्पलीफायर देखे होंगे जिसमें 2 बेस, 2 ट्रेबल, 2 मिड ऐसा होता है। सो वो अलग अलग चैनल के लिए एक एक जो है पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने 47K के यहाँ पे पोटेंशियोमीटर इसके अंदर कनेक्ट किए हैं। और जो हमारा मास्टर है उसमें मैंने बड़ा वाला नॉब लगाया हुआ है, और जो हमारे मतलब बेस ट्रेबल और मिड है उसके अंदर मैंने ये छोटे वाले नोब लगाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस बोर्ड के साथ ही मिलेगी अगर आप फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, मतलब ये पहला बोर्ड ऑर्डर करते हैं। तो नोब भी लगे हुए मिलेंगे, और नोब भी लोकल वाले नहीं है, ओरिजिनल वाले नोब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं इसके अंदर, तो ये DC पावर सप्लाई से चलने वाला है। डुअल सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो O+ लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन है। और इसके अंदर आपको DC में करंट देना है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर प्लस और माइनस कहाँ कनेक्ट करना है, सो एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए ये हमारा ये माइनस का है कैपेसिटर का, और ये प्लस का है। सो देखिए अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ इस बोर्ड को पलट करके, सो ये देखिए ये हमारा पावर सप्लाई का है, आई थिंक यही है, ये रहा पावर सप्लाई का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के, सॉरी, ये कैपेसिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, कैपेसिटर के माइनस में कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा माइनस का है, मतलब यहाँ हमें माइनस देना है और यहाँ से हमें प्लस देना है, ओके। और बीच वाला हमारा ग्राउंड है। और सेम दोस्तों आप यहाँ पे भी जो आपके इनपुट के वायर है, मतलब जो डायरेक्ट आपके ब्लूटूथ पैनल से आएंगे, वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे, लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ठीक है। बीच में ग्राउंड आपका इधर लेफ्ट इधर राइट, ओके। उसके बाद दोस्तों सेम यहाँ पे बीच वाला हमारा ग्राउंड है, और उसके बाद ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। और दोस्तों इसके अंदर आपको लाउडनेस का ऑप्शन भी मिल जाता है दोनों चैनल्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ये लाउडनेस का ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके जरिए आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इस बोर्ड के अंदर एक्स्ट्रा दोस्तों। तो चलिए इसकी वायरिंग करते हैं, हम इसे प्ले करने वाले हैं अपने 7294 बोर्ड के साथ, ओके। और देखने वाले हैं इसका आउटपुट हमें कैसा मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे DC में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास यही था। अब 1 से 1.5 एम्पियर का यूज़ करना इस बेस ट्रेबल बोर्ड के लिए, ओके। सो 3 एम्पियर का आप देख सकते हो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे DC में, इसे कन्वर्ट करके यहाँ सप्लाई दिया। प्लस माइनस जैसे मैंने बताया था वैसा ही लगाना, नहीं तो बोर्ड ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे अगर उल्टे कनेक्शन किए तो। उसके बाद दोस्तों प्रीसेट के थ्रू आप जो है अपने आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आवाज़ पे आपको फिक्स रखना है उतना आप फिक्स रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ पैनल से इसके इनपुट में हमने यहाँ पे कनेक्टर जोड़ दिया है। देखिए दोस्तों मैंने कनेक्टर जो है अलग से इसके अंदर लगाए हैं, आपको मिलते नहीं है, ये जस्ट थोड़ा सा काम आसान हो जाए इसलिए मैंने लगाए हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आउटपुट में हमने देखिए कनेक्टर के थ्रू जो है 7294 बोर्ड में इसे लगा दिया है। हमने अलग से सप्लाई दी है 7294 बोर्ड को, जो कि 24024 की है, और DC में कन्वर्ट होके ये लगभग 28-29 के आसपास या 30 के आसपास पहुँच जाएगी, मैंने चेक नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों ये मैंने अलग से इसके अंदर सप्लाई दी है, ब्लूटूथ पैनल के अंदर भी अलग से मैंने सप्लाई दी है, और यहाँ पे जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा तामझाम ज़्यादा हो गया है, ओके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करता हूँ मैं यहाँ पे, सो एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक हिंदी सॉन्ग प्ले करूँगा। इसके 2 सॉन्ग प्ले करने का एक रीज़न होता है, यार वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं वो सॉन्ग को रिमूव करके ये सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ, ओके। इससे जो है
ठीक रहेगा। बाकी अभी हम इस सॉन्ग को यहाँ से प्ले करते हैं और आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए और इसका क्वालिटी देखिए, क्योंकि अभी तक मेरे को 20 मिनट हो गए इसे मैं जब से चेक ही कर रहा था और ये हीट भी हो गया जब से मैं इसे चला रहा हूँ जब से। ओके, तो आप ईयरफोन लगा लीजिए और इसकी क्वालिटी एक बार ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ, एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है, और यहाँ से वॉल्यूम को अप करते हैं थोड़ा सा, वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ दोस्तों, फुल वॉल्यूम हो गया। आप लोगों ने इस सॉन्ग से ही इसकी क्वालिटी का पता कर लिया होगा दोस्तों। इसके अंदर जो झनकार है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है, मतलब कि साउंड जो है फटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। हाँ, अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, मतलब इसको ज़्यादा या कम करते, कम पे तो आपका आवाज़ कम हो जाएगा, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा कर देंगे तो आवाज़ जो है उसमें डिस्टॉर्शन आएगा। ठीक है, तो आपको है, आपको इसे अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना है, जिस साउंड पे आपको ठीक लग रहा है, सेटिस्फाई हैं आप लोग, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आप जो है एक हिंदी सॉन्ग प्ले करते हैं डीजे का, और उसमें भी इसकी क्वालिटी जो है हम चेक करते हैं। जब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ से मैंने एक सॉन्ग प्ले कर लिया है। ओके, चलिए आप इसको फिर से बढ़ाते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें फुल कर रखी है दोस्तों, ओनली जस्ट इसे मैं जो है बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ईयरफोन के अंदर इसकी क्वालिटी कैसी लगी। बट अब जो है मैं अपना ओपिनियन देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छी आ रही है। बस हाँ, अगर आप इसके साथ जो है इसको ज़्यादा कर लेंगे, हद से ज़्यादा कर लेंगे, तो आपका जो वॉइस है वो बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने टेस्ट की है। और इसे जो है आप अपने अकॉर्डिंग जिस साउंड पे आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, उस साउंड पे जो है इसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है आप साउंड ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। बाकी क्लियरिटी की बात करें तो ऑडियो क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर बेकार है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा झनकार के लिए मैंने एक चैनल पे इसे कनेक्ट किया हुआ था, जिससे कि आपको जो HF साउंड है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है, वो थोड़ा और ज़्यादा सुनाई दे रहा था बेस के मुकाबले। मैंने एक ही बूफर यूज़ किया है यहाँ पे, 10 इंची 120 mm मैग्नेट के अंदर, जो कि 100 वाट का होता है। सो काफ़ी अच्छा आउटपुट आ रहा है। आप इस बोर्ड को ले सकते हैं अगर आप पहला ऑर्डर करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ये बोर्ड ऑर्डर करते हैं। सो आपको जो भी मैंने इसके अंदर लगाया है सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। बाकी आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है। आप इसे, अब मैं बता देता हूँ आप लोग इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप अपने 500 वॉट के बोर्ड में इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसे छोटे बोर्ड के साथ आप यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो ये बोर्ड लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों का। आप इसे जो है 200 वॉट, 300 वॉट, 400 वॉट बोर्ड के साथ आप इसे यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपको बेटर आउटपुट मिल पाएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।